आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट फ्री वीपीएन इन इंडिया फॉर 2023। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और वीपीएन के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फ्री वी के बारे में 2023 के लिए ना यूजुअली मैं फ्री वी पी रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज़ आ जाते हैं इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा लेकिन कुछ फ्यू एक्सेप्शन होते हैं हज़ारों में से जो कि अच्छे भी होते हैं एंड जिनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी ठीक ठाक होती है मतलब अच्छी होती है नाउ आई एम यूजिंग वी फॉर मोर देन थ्री ईयर नाउ मैंने बहुत सारे वी यूज़ करे फ्री पेड बहुत सारे वी की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी है बहुत सारे न्यूज़ देखी है मैंने वीपीएन रिलेटेड कस्टमर का जब डेटा एक्सप्लॉयट हो जाता है या पे डेटा सेल हो रहा है या पे थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर एड्स के थ्रू तो उस सारे एक्सपीरियंस के बेस पे पिछले तीन साल के मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत सारे वी यूज़ करने, करने के बाद बहुत सारे रिव्यूज़ करने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड सेवन बीपीएम को सिलेक्ट किया है जो कि फ्री में आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं एंड देन जिनके सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी वो भी अच्छी है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको थम्सअप जरूर दे दीजिएगा अब बिफोर आई स्टार्ट वन लास्ट पॉइंट ये फ्री वी उन लोगों के लिए जो वनस इन अ ब्लू मून यूज करते हैं या जिनको सिर्फ से वीपीएन टेस्ट करके देखना है अगर आप लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग एक पेड वीपीएन की तरफ जाओ जैसे कि सवशाक नॉर्ड एक्सप्रेस इसके रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ बेस्ट पेड वीपीएन का वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर लेस्ट जो हमारे पास पहला है वो है क्लाउड फ्लेयर वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन ये वीपीएन नहीं है इट्स अ डीएनएस सर्विस अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वीपीएन में आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है एंड देन जो डेटा रहता है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है कमिंग ऑन टू डीएनएस एन यहाँ पर सर्वर चेंज नहीं होगा यूजुअली क्या होता है जो भी आप लोग वेबसाइट टाइप करते हो वो जाता है आपके आई के पास में जैसे कि एयरटेल हो गया जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने जहाँ से भी लिया है उसके पास वाली रिक्वेस्ट जाएगी अब डी एन एस यूज करने के बाद में वो वाली रिक्वेस्ट आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के पास नहीं वो जाएगी यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर के पास तो अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करनी है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करी है अपने ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर से या फिर आई एस पी लेवल पर अगर कुछ चीज़ें ब्लॉक है अगर उसको अनब्लॉक करना है तो फिर इसका यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है क्लाउड फ्लेयर का वन डॉट डी एन एस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डी एन एस आउटडेयर इनफैक्ट गूगल के डीएनएस से भी ज़्यादा फास्ट है एंड यहाँ पर कोई लॉग्स नहीं रखे जाते हैं सो दैट्स द बिगेस्ट प्लस प्राइवेसी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है एंड इट इज ऑडिटेड एज वेल यहाँ पर इसका ऑडिट भी किया गया है देन वी हैव दिस फॉर फैमिलीज आल्सो इसमें आपको मैलवेयर प्रोटेक्शन मिल जाता है एक तो एंड देन यहाँ पर जितनी भी अडल्ट वेबसाइट्स है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है अब इसको यूज कैसे करें इसको यूज करना काफी सिंपल है इसके ऐप्स अवेलेबल है सारे मेजर डिवाइसेस के लिए पहले ये मैक और विंडोज के लिए अवेलेबल नहीं था आपको मैनुअली सेटअप करना पड़ता था अब ये मैक और विंडोज के लिए भी अवेलेबल हो गया है तो सिर्फ इसका ऐप डाउनलोड करो एंड स्टार्ट यूजिंग तो ये फास्ट है फ्री है अच्छा है मैलवेज़ को भी ब्लॉक कर सकता है तो अगर आपको मेनली मैलवेज को ब्लॉक करना है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड करना है अपने आईएसपी से या फिर अनब्लॉक भी करना है जो आईएसपी लेवल पे ब्लॉक है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जब मैंने इसको लास्ट टाइम यूज़ किया था तो इसने मेजॉरिटी वेबसाइट्स को अनब्लॉक कर दिया था बट एट प्रेजेंट ये बहुत सारी वेबसाइट्स को अनब्लॉक नहीं कर पा रहा है आई डोंट नो वाई बट मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए इट इज़ स्टिल गुड सिक्स नंबर पर है हमारे पास मी ये मलेशिया बेस्ड है इसकी प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है क्लीन है यहाँ पे ज़्यादा लॉग्स नहीं रखे जा रहे हैं डेटा यहाँ पर आपको टेन जी मिल जाता है मंथली सर्वर्स यहाँ पर चार अवेलेबल हैं फ्री में स्पीड की बात करूँ तो वो मेरे केस में बहुत ही स्लो थी मीन्स टेन परसेंट फाइव परसेंट यहाँ पर मुझे स्पीड मिली है मेरे ओरिजिनल कनेक्शन के हिसाब से मेरा ओरिजिनल कनेक्शन है टू हंड्रेड एम बी पी एस का जो मुझे स्पीड मिली है वो है टेन एम बी पी एस की तो स्पीड मेरे केस में यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लो थी एंड्रॉड इसका इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो अगर आपको इसका एंड्रॉइड ऐप यूज करना है तो यू कैन डाउनलोड ए पी के फ्रॉ द ऑफिशियल वेबसाइट नाउ क्योंकि इसकी सिक्योरिटी अच्छी है और टेन जी बी का फ्री डेटा मिल रहा है तो आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं फिफ्थ हमारे पास आटलस वीपीएन प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है नो no लॉग है कुछ डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं बट दैट्स मिनिमल टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ दियर सिस्टम्स डेटा यहाँ पे फाइव जी बी मिल जाता है पर मंथ फॉर फ्री सर्वर्स यहाँ पे तीन लोकेशन है स्पीड की बात करें तो डिसेंट स्पीड्स मुझे यहाँ पे देखने को मिली है फिफ्टी परसेंट का ड्रॉप मिला है विच इज ओके फॉर अ फ्री वीपीएन सिक्योरिटी अच्छी है अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल से प्लस यहाँ पर आर्ट ब्लॉकर भी है तो फ्री में अगर आपको आर्ट ब्लॉकर भी मिल रहा है तो दैट्स रियली गुड इट्स ए यूएस बेस्ड कंपनी सो इट कम्स अंडर फाइव आईज तो यूजअली यू एस बेस्ड कंपनी को वीपीएन के लिए आई वोंट रिकमेंड फॉर सेंसिटिव डेटा लेकिन अगर आप लोग कुछ ऐसे ही ब्राउज कर रहे हो कुछ आपको सिर्फ लोकेशन चेंज वगैरह करके देखना है तो फिर इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और एटल्स वीपीएन को रिसेंटली यहाँ पे नॉट सिक्योरिटी ने खरीदा भी था 2021 में

अब मैंने यहाँ पर इसको क्यों इंक्लूड किया है वो इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पर आपको 49 सर्वर लोकेशन मिलती है तो अगर आपको कोई सर्वर लोकेशन नहीं मिल रही है बाकी किसी फ्री वीपीएन में तो टनल बेयर में आपको मिल जाएगी लेकिन पांच सौ डेटा है पर मंथ दैट सेट इसको सिर्फ तभी यूज करना इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर सम डिफरेंट लोकेशन अगर आपको यूएसए नीदरलैंड यूरोप वगैरह में चाहिए तो बाकी सारे वीपीएस में भी अवेलेबल है सो एज ऑफ नाउ टनल बेयर इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन इंडिया बिकॉज एक नए रूल्स आए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि अब अगर जो भी डेटा सर्वर्स इंडिया में रहेंगे तो उनका डेटा रखना पड़ेगा इसीलिए टनल बेयर ने अपने जो सर्वर्स हैं वो हटा दिए हैं इंडिया से ऑल्सो इंडियन यूजर्स अब टनल बेयर को यूज़ भी नहीं कर सकते हैं इनफैक्ट कोई दूसरे सर्वर्स भी एट प्रेजेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं हो सकता है फ्यूचर में ये चेंज हो जाए बट एट प्रेजेंट इंडिया में टनल बेयर डाउनलोड नहीं किया जा सकता है थर्ड नंबर पर हमारे पास प्रोटॉन वीपीएन प्राइवेसी इसकी काफ़ी अच्छी है कोई लॉग्स यहाँ पे नहीं रखे जाते हैं स्विस बेस्ड है डेटा की बात करी जाए तो अनलिमिटेड डेटा यहाँ पर मिलता है कोई कैपिंग नहीं है इनके फ्री वर्जन में दैट्स द बिगेस्ट प्लस ऑफ दिस वीपीएन ये एक लौता वी फ्री एन है जहाँ पे कोई कैपिंग भी नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी भी अच्छी है और कोई डेटा लॉग्स भी नहीं रखे जाते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर आपको सर्वर्स लिमिटेड मिल रहे हैं सिर्फ तीन कंट्रीज़ में है स्पीड कभी अच्छी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी मेरे केस में इस बार मुझे यहाँ पे अच्छी मिल रही थी 200 हंड्रेड की मेरी ओरिजिनल अपलोड डाउनलोड है एंड आफ्टर वी पी डाउनलोड थी 146 अपलोड थी जो कि काफ़ी अच्छी है लेकिन हमेशा मुझे यही स्टेबल स्पीड्स नहीं मिलेगी डिपेंड करता है कि उस सर्वर पर लोड कितना है डिवाइसेज की बात करूँ तो सभी मेजर डिवाइसेज पर अवेलेबल है ओवरऑल काफ़ी अच्छा वी है अच्छी प्राइवेसी पॉलिसी है अनलिमिटेड डेटा है बट स्पीड यहाँ पर स्टेबल नहीं मिलेगी आपको सेकंड वन इज विंड्राइप काफी पॉपुलर वीपीएन है प्राइवेसी पॉलिसी की बात करी जाए तो वो काफी क्लीन है कोई भी लॉग यहाँ पे नहीं रखा रखा जाता है डेटा यहाँ पर आपको टेन जी पर मंथ मिल जाता है सर्वर्स यहाँ पर टेन कंट्रीज में है स्पीड की बात करूँ तो मेरी थी यहाँ पर टू हंड्रेड एमबीपीएस डाउनलोड अपलोड जो मुझे मिली है वो है फिफ्टी परसेंट ड्रॉप यहाँ पे मिला है नाइनटी नाइन डाउनलोड वन फोर्टी अपलोड स्पीड आर गुड फॉर फ्री वीपीएन सारे मेजर डिवाइस पे अवेलेबल है जो एक्शन की बात करी जाए तो इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ कैनाडा जो कि फोर्टी में आता है तो इफ़ यू वॉन्ट टू अनलॉक सम अदर कंट्रीज कॉन्टेंट जैसे यू एस वगैरह कुछ अगर आपको कॉन्टेंट वगैरह अनलॉक करना है या सिर्फ ऐसे ब्राउज करके देखना है तो आई थिंक मी डिस्क्राइब कैन अ गुड ऑप्शन ना इससे पहले मैं लिस्ट में आगे बढ़ूँ अगर अब तक का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा एंड इफ यू डिसाइड टू परचेज अभी पी एन तो उसके डिस्काउंटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे यू कैन गो हैड एंड परचेज इट इट रियली हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस क्वालिटी कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे पहले मैं पहले की तरफ जाऊँ एक काफ़ी पॉपुलर वी है जो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है फ्री वी में वो है हॉटस्पॉट शील्ड ना यूजअली इट इज़ अ डिसेंट वी लेकिन फ्री में यहाँ पर एक कैच आ जाता है वो ये है कि जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो डिफरेंट है पेड के लिए डिफरेंट है एंड फ्री के लिए डिफरेंट है फ्री में दे विल सर्व यू एड्स एंड उस एड की वजह से यहाँ पर बेसिकली जो भी आपका डेटा है जो भी आप लोग वेबसाइट्स वगैरह विजिट कर रहे हो कुछ डेटा उसमें से ट्रांसफर हो रहा है तो फ्री वर्जन जो इसका है वो नो लॉग नहीं है फ्री वर्जन में एड्स भी सर्व होंगे एंड आपका कुछ डेटा यहाँ पर ट्रांसफर भी होगा इसीलिए मैं पे हॉटस्पॉट शील्ड को फ्री वर्जन के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा नंबर वन है हमारे लिस्ट में प्रिवाडो वीपीएन बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिड्ड नहीं है लेकिन जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है कोई भी लॉग्स ये लोग नहीं रखते हैं इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ स्विट्जरलैंड डेटा यहाँ पर आपको टेन जी मिल जाता है पर मंथ सर्वर्स यहाँ पे ट्वेल्व लोकेशंस अवेलेबल है स्पीड काफी अच्छी देखने को मिली है मुझे टू हंड्रेड मेरा ओरिजिनल था वन डाउनलोड वन अपलोड मुझे मिला है और पिंक भी सिर्फ वन सिक्सटी का था स्विजरलैंड में इट्स ग्रेट फॉर अ फ्री वी स्ट्रीमिंग की बात करूं तो ये एक लौता फ्री वीपीएन है जो मेरे केस में स्ट्रीमिंग में कभी कभार काम कर रहा था फॉर नेटफ्लिक्स सो so, फ्री में काफी अच्छा वीपीएन है स्पीड्स अच्छी है स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो कभी कभार कोई भी लॉग्स यहाँ पे नहीं रखे जाते हैं सर्वर लोकेशन भी अच्छा है एंड टेन जी डेटा पर मंथ भी मिल जाता है सो इट्स अ ग्रेट वीपीएन फॉर फ्री फॉर ट्वेंटी नाउ लेट्स सम दिस अप बेस्ट फ्री वीपीएन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्रिवाडो वीपीएन इज रियली गुड बेस्ट VPN फॉर हाइडिंग योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आई एस पी वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन फ्रॉम क्लाउड फ्लेयर स्ट्रीमिंग के लिए इज द बेस्ट वन लेकिन कभी कभार वो काम नहीं करेगा तो फिर आपको यहाँ पे वीपीएन को शायद से परचेज करना पड़ेगा इन दैट केस बजट में नीम चीप और सर्फ शाक दोनों अच्छे हैं अनलिमिटेड डेटा के लिए प्रोटोन वीपीएन अच्छा है स्पीड के लिए प्रिवाडो और विंडस्क्राइप दोनों की स्पीड अच्छी मिली थी मालवेयर ब्लॉकिंग के लिए वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन का यूज़ कर सकते हो बेस्ट लोकेशन जहाँ पे आपको मिलेगी वो रहेगा टनल वेयर ले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि गेट अ पेड वी पी एन इफ यू वॉन्ट टू डू पी टू पी लेकिन हाइड डॉट मी प्रिवाडो आर्टलस तीनों को यूज़ किया जा सकता है फॉर टॉरेंटिंग ऐप्स में प्रोटोन वीपीएन का अच्छा लगा है मुझे वेंडस्क्राइप का अच्छा लगा है प्रेवाडो का एप भी अच्छा है इंडियन सर्वर की बात करें तो आर्ट प्रेजेंट यहाँ पे कोई भी फ्री वी पी एन इंडिया में सर्वर नहीं दे रहा है जिनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी अच्छी हो मतलब वर्चुअल सर्वर्स लाने पड़ेंगे इंडिया में क्योंकि नए रूल्स आए हैं वीपीएन के अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि क्या रूल्स है इंडिया में वीपीएन के रिलेटेड तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा वर्चुअल सर्वर सिर्फ अभी आपको पेड वीपीएन में मिलेंगे सर्फशार्क और एक्सप्रेस वीपीएन ये दो अच्छे वीपीएन से जो कि वर्चुअल सर्वर इंडिया में अभी दे रहे हैं लेकिन दो हजार पेड वीपीएन सो ये थे कुछ अच्छे फ्री वीपीएन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट थ्री इयर्स यू कैन यूज मल्टीपल वी पी you इफ़ यू वॉन्ट फ्री में है कौन से पैसे देने पड़ रहे हैं तो सब एक साथ डाउनलोड करके यूज कर सकते हो या फिर अपने यूज केस के हिसाब से एक दो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो एंड इफ यू डिसाइड टू परचेज अ वी तो डिस्काउंटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस मंथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अच्छा लगा तो उसको थम्सअप जरूर दे एंड डू लेट मी नो इ कॉमेंट बॉक्स बिलो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाए तो दट इज इट आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड